दिन फिर उसका लिंग तोड़ा जाता। अच्छा, पूरा तोड़ दिया जाता है महाराज जी, हकीकत है ये? मतलब ऐसे होता है जैसे मैं हूँ तो अपनी जो इंद्रियां हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे शहर में आप भी शहरों में से निकलते हैं तो खूबसूरत महिला देखते हैं, तो उस समय कुछ नहीं होता शरीर में, उत्तेजना नहीं होती जैसे मैं तो अपनों। हाँ ठीक है। हाँ तो ऐसे कई बाबा लोग हैं जो नागा बाबा होते व्यक्ति भी ऐसे कांड करते हैं और कपड़े जाते हैं, वो ऐसे क्यों होते हैं? झूठे होते हैं, मनमुखी होते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ मनमुखी बन गए जैसे हमने तुम्हें चेला बना लिया। अच्छा दोस्तों, एक बहुत ही अद्भुत बाबा मुझे मिले हैं, बहुत ही गजब के, मैं आपको इनसे बात कराऊंगा। और इनके पास दो दो कुत्ते भी हैं। और महाराज जी दंडवत प्रणाम आपको। जय श्री केदार। कहाँ से महाराज जी आए आप? कौन सा अखाड़ा है आपका? जूना अखाड़े से है ना? क्या बात है महाराज जी। त्रिशूल, ये आपका श्रृंगार है? जी 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 जी। अभी पूरा श्रृंगार कहाँ करा। अच्छा आप चश्मा भी लगा रहे हैं? यूँ क्या बात है, अभी कश्मीर नहीं चढ़ाया। अच्छा क्या क्या श्रृंगार करोगे अब? अरे अभी तो बहुत सारा श्रृंगार है, अभी कहाँ करा। अच्छा तो श्रृंगार करने से क्या होता है महाराज जी? ये हम लोगों का श्रृंगार है। अच्छा भोलेनाथ का। भोलेनाथ का ना, तो भोलेनाथ के कितने रूप हैं? भोलेनाथ के अनेक रूप है। अनेक रूप है, तो जितने भोले के रूप है उसी प्रकार से आपका भी ये श्रृंगार है ना? तो खास कर जी होता है जी, वो एक शिव के तुल्य होता है। जी 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 ठीक है जी, लेकिन उसके कर्म के ऊपर होता है जी। ऐसा नहीं कि संन्यास दे दिया तो अपना शिव के तुल्य हो गया, ऐसा कुछ नहीं। कर्मों के ऊपर होता है। अच्छा, जब वो कर्म ही नहीं करोगे, भजन ही नहीं करोगे तो फिर तुम कहाँ से शिव के तुल्य हो जाओगे। ये देखिए सामने मंदिर है और मंदिर के पीछे मुझे बाबा जी मिले हैं। तो बाबा जी इतनी बारिश हो रही है आज और बर्फ पड़ने वाली है, तो आप ऐसे यहाँ पर कैसे अपना जीवन? बाबा की मेहरबानी। अच्छा तो आप खाना पीना रहना सोना वो कौन देता है आपको? सब महाकाल ही करता है व्यवस्था। सारे महाकाल करता है यूँ? तो देखिए बाबा बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों। तो बाबा जी आपका शुभ नाम क्या बताया? मेरा नाम है विक्रमानंद सरस्वती नागा बाबा जी। तो ये आज आप नागा बाबा हैं? अच्छा तो नागा बाबा तो बहुत खतरनाक होते हैं ऐसे सुना है। एक भक्त बोलते हैं कि अगर वो आशीर्वाद अगर खुश हो गए तो ठीक है, अगर ना खुश हुए तो वो फटकार लगा देते हैं। देखो ऐसा है भाई, सन्यासी अपने आप को पूरा शरीर भोलेनाथ को अर्पण कर देते हैं जी। ठीक है। हाँ जो भोलेनाथ को अर्पण कर देगा वो कहाँ जंगल में घुस के तपस्या कर रहा, कहाँ बियाबान जंगल में जा, कुछ नहीं है। हाँ है ना, जब तपस्या करेगा तो महाकाल को तो उसको झुकना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, जो मुंह से बोलेगा उसको सत्यवाणी करना पड़ेगा। हाँ, क्यों हाँ। करना पड़ेगा, जब हमारा संस्कार होता है ना तो हमारा खुद का पिंडदान हम खुद कर देते हैं। अच्छा आप खुद ही करते हैं? अच्छा तो जैसे बाबा जी जब मृत्यु लोक में जाते हैं, जैसे आप अभी उम्र हो गई, अब आप किसी कोई जैसे आप मृत्यु लोक में जाएंगे या आपने समाधि ले ली, तो आपके पीछे कौन क्रियाक्रम करता है आपका? हमारे परिवार ही करता है, साधु। साधु परिवार करता है ना, तो जो अखाड़े के लोग होते हैं वो करते हैं ना। बिल्कुल, तो ये इतनी लंबी लंबी रुद्राक्ष और आपकी जटाएं जिस प्रकार से देख रहे हैं, तो भोले के रूप में मैं आपको देख रहा हूं, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। तो आपने थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, आज सर्दी ज्यादा है तो ऐसे कंप कंप भी हो रही है शरीर में या सही है? तो हिला रहा हूं। अच्छा हिला रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप तो बर्फबारी में भी ऐसे बर्फ पड़ी रहेगी और उनके बीच में बैठे रहेंगे? बैठना ही पड़ेगा, बोले नाम पे बैठना पड़ेगा, वो खुद रक्षा करेगा। हाँ तो आप कर्मों के ऊपर जी। तो केदारनाथ आप यहाँ पर कितने महीने रुकोगे? हम तो पटबंद होते थे, पटबंद होने के बाद में और खुलते बाद आते हो, तो 6 महीने रुकते हो आप यहाँ है? तो 6 महीने आप खाना पीना सब भोले देता है? सब भोले देता है। अब ये जो है जो भगत आता है सेवा दान पुण्य कर जाता है, अपना खाना पीना कर लेते हैं। अच्छा तो नागा बाबा क्या होता है महाराज जी? नागा जो होता है जगत गुरु, ब्राह्मण ब्राह्मण गुरु, सन्यासी सन्यासी गुरु, अविनाशी है ना। इसका गुरु अविनाशी, अविनाशी मतलब अलग नरंजन। अच्छा अलग नरंजन, ठीक जी। हमारा गुरु जो है दत्त भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके 3 रूप में एक ही अवतार लिया था माता अनुसुईया की गोद में। हाँ ठीक है ना जी। तो हमारे गुरु वो है, हमारा गुरु कोई नहीं जी। ठीक है ना जी। तो अविनाशी जो सबको नाश करने वाला, तुम्हारे पाप हैं उनको भी नाश करेगा, सबको मोक्ष देगा जी, है ना जी। वो हमारा गुरु है जी। ठीक है ना। तो शंकर भगवान के 108 अवतार, अब 108 में अलग अलग उनका श्रृंगार है। श्रृंगार है, उन्हीं में से आप श्रृंगार करते हैं सेम। ठीक जी। कब कहाँ अद्भुत बने थे, जब देवता उनके राक्षसों की लड़ाई हुई थी, ठीक है, वहाँ उन्होंने अपनी भस्मी धारण करके खड़े हो गए थे विकराल रूप लेके, चमिटा और पड़ा।
कमंडल लेके रुद्राक्ष से धारण करके, तो देवता ने खुशी देने के लिए जा रहे थे भोलेनाथ के पास। अच्छा, अहंकार आ गया था कि हम राक्षसों को मारने जा रहे हैं। ठीक, हमने मार के भगा दिया। तो हमने भोलेनाथ को, अहंकार ने देखा देवताओं का, तो भोलेनाथ खड़े हो गए। हमने बोला कि देखते हैं इनकी परीक्षा ली जाए कितने अहंकार इनका। वहाँ उनका अहंकार तोड़ा था, उन्हें इतना ताड़ का ताड़, ये कौन राक्षस आ गया, सबको मार के भगा दिए, ये कौन आ गया। तो सब ने अपनी अपनी शक्ति चलाई, सब निष्फल हो गई। फिर विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु ये क्या लीला। बोले ठीक है, हम बता लगा। उन्हें जब अपनी दिव्य दृष्टि देखा तो शंकर भगवान खड़े हैं, सब झुक के प्रणाम करने लगे, प्रभु हमारा अहंकार आ गया था, क्षमा कर। वाह 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 वाह, क्या बात है ना। तो अवधूत दिगंबर वहाँ बनते, जो हम बनते अवधूत दिगंबर, भस्मी चढ़ाने के बाद कपड़े निकाल देते। अच्छा, आप भस्मी चढ़ाते हैं, कब चढ़ाते हैं? अभी क्या, अभी हमारा जो सामान अभी एक कल आया है, अभी बाकी हरिद्वार से आया। अच्छा, तो भस्मी लगाते हैं तब ये कपड़े सारे उतार देते हैं, बिल्कुल नग्न रहते हैं। तो नग्न रहते हैं तो मतलब यहाँ जैसे ये पब्लिक पैलेस है, और जब श्रद्धालु यहाँ के फौजी वगैरह कुछ नहीं बोलते, ऐसा कुछ नहीं है ना? तो नागा बाबा तो नागा बाबा होता है ना, बिल्कुल। तो इसमें तो काफी वजन होगा महाराज जी। वजन है तो क्या होगा। अच्छा, आप कितने रूप धारण कर लेते हैं? 17 श्रृंगार होता है। आप 17 श्रृंगार करते हैं, कैसे, कौन कौन से नागा बाबा के? देखो, 17 श्रृंगार में हमारा वस्त्र हो गया, लंगोट हो गई, माला हो गई, कड़ा हो गया, पायल हो गया, घुंघरू हो गया, मुकुट हो गया, रुद्राक्ष हो गया, कंठी हो गया, है ना, भस्मी हो गया, ठीक है, चंदन तिलक हो गया, ठीक है, ऐसे करके हम लोगों को 17 श्रृंगार होता है जी। ठीक है, बिल्कुल। कभी कहते हैं ना कि भोले कभी दानी, कभी योगी, कभी भोगी, समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हम वो भोगी नहीं है। अगर हम भोगी बनेंगे, उनके बराबरी अगर हम करेंगे तो हम लोगों को मोक्ष कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो भोलेनाथ का जो एक कहावत है, कभी दानी, कभी योगी, कभी भोगी, कभी त्यागी। पार्वती को कितनी बार त्यागा है? कितनी बार? 108 बार। 108 बार त्याग दिया, फिर क्या हुआ? फिर नौ में पार्वती अवतार लिया है। ठीक ठीक। तो पार्वती ने पूछा, बोले हे प्रभु, ये गले में जो मुंडी टांग रखी है किसकी? बोले आपकी। बोले मेरी। बोले हाँ। बोले वो कैसे? बोले तुम इतनी बार मर चुके हो। बोले तो 108 है। बोले हाँ। तो बोले कि मैं मर गई, तुम क्यों नहीं मरे? बोले मैं अमर कथा जानता हूँ। तो बोले मुझे सुनाओ। तो बोले ठीक है, सुना दूंगा। तो बोले सो मत जाना। बोले नहीं सोऊंगी। तो अमरनाथ में अमर कथा सुनाई थी, तुम्हारा फिर भी सो गई। फिर भी सो गई। तुम्हारा 2 कबूतर के अंडे रखे थे, सबको भगा दिया था। ठीक। लेकिन वो अंडे में से बच्चे निकल आए थे, वो करने लगे बोले ना, समझे अपने मगन में पार्वती हूँ करा दे। अच्छा। और जब उनकी जब कथा खत्म करी और जब उन्हें देखा तो पार्वती तो सर लगा के सो रही। उन्हें देखा, बोले प्रभु ये क्या है, पार्वती तो सो रही। पार्वती बोले होकारा कौन दे रहे थे प्रभु? बोले मेरे को तो नींद लग गई। उन्हें क्या, कौन है यहाँ पे? तो 2 पंछी। उन्हें क्या, हाँ मैं प्रभु। उन्हें अपना त्रिशूल क्रोध में होके जो छोड़ा तो पूरे ब्रह्मांड में घूम लिए, बाकी वो त्रिशूल उनका पीछा नहीं छोड़ा। ठीक। वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, दोनों पंछी अमर हो गए थे वो तो। उन्हें बोला तुम शरण में उन्हीं के चरणों में गिरो, तभी तुम बचोगे, अन्यथा नहीं बच रहे हो। फिर उन्हीं के चरण में गिरे और देवता इकट्ठे हो गए। प्रभु आपने इन्हें अमर कथा सुन लिया, अगर ये भस्म हो गए तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। आज भी वो आजाद हमारे, सही है, अमर कथा में जाओगे तो आपको वो 2 पंछी मिलेंगे। क्या बात है, बिल्कुल। तो आपने तो चश्मा घड़ी वगैरह सब लगा रहे, ये भी संगा में आता है हमारे जैसे भगत ने? अच्छा अच्छा अच्छा, भगत दे देते हैं ना, क्या बात है। तो आप तो मतलब, अच्छा जो नागा साधु होते हैं, एक वो अघोरी साधु होते हैं, तो अघोरी में और नागा में क्या फर्क है? अघोरी खतरनाक होता है आपसे? तो सन्यासी से बढ़ के तो कोई साधु ही नहीं। हाँ, तो अघोरी क्या फंड है या झूठ है या ऐसे ही होता है? अच्छा, पिंडदान नहीं होता अघोरी का, उसको नागा नहीं बना जाता, लिंग नहीं तोड़ा जाता उसका। अच्छा ठीक। अच्छा, मतलब जैसे नागा बाबा है, तो नागा बाबा का कैसे बनता है? जैसे मैं हूँ और मैं तपस्या गृहस्थी छोड़ देता हूँ, पहले 24 घंटा आपको हम तपस्या करवाएंगे। ठीक है, सिर्फ कुंभ के अंदर। हाँ ठीक है, कुंभ जो लगता है। हाँ हाँ, वहाँ पे पूरे साधु को जिनको संस्कार करवाएंगे पूरे एक तंबू में रहेंगे। ठीक है, धर्म ध्वजा के पास। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को एक इतना बड़ा करवा दिया जाएगा, उसमें एक डंडा दिया जाए, उसको हाथ में रखना, नीचे भी नहीं रखाना, और वो डंडा आड़ा भी ना हो। ठीक है, उसका जल भी ना गिरे। ठीक है ठीक है, वो पूरा 24 घंटा आपको रखना पड़ेगा, उसी में आपको 2 स्नान करवाएंगे।
ठीक है, एक रात में 11-12 बजे, हाँ, एक 3 बजे ले जाएंगे, तो वहाँ 4 बजे, हाँ, हम आपको पूरा मंत्र सुनाएंगे, हम नहीं सुनाएंगे, हाँ, हमारे जो गुरु हैं, हाँ, अखाड़े के पूज्यपाद अवधेशानंद गिरी जी, हमारे आचार्य गुरु हैं जी अखाड़े के जी, वो आपको पूरा मंत्र सुनाएंगे, हम भी खड़े रहेंगे, ठीक है, वही वो दंड कमंडल विसर्जन करवाएंगे, वही आपके हाथों से पिंडदान का मंत्र द्वारा करवाएंगे। अच्छा, आप उस दिन मर गए। अच्छा, ठीक, इस परिवार से मुक्ति आपको हो गई। अब आप किसके परिवार में जन्म ले लिया? संत परिवार, संत परिवार में, संत के बच्चे हो गए। अच्छा, गृहस्थी ऐसे छोड़ी जाती है ना? ठीक, हाँ। फिर वहाँ से आपसे वो अवधेशानंद गिरी जी कह देंगे, जाओ हो गए नांगा, हाँ, भग गए, तो उनको डर भग गया। ठीक ठीक, वहाँ से भगने के बाद में जिस दिन शाही निकलेगी, हाँ, उस दिन तुम्हें हमने पूरा रहस्य दे दिया, हाँ, ठीक है, हाँ, तो तुमने क्या करा, नागफनी लगा लिया। अच्छा, नागफनी हम तुम्हारे सामने लगा, तुम वो गठान सीख गए हो, ठीक है, तुमने बोला करीब के हो गए, तो हमने बोला गुरु जी नागफनी कैसे बांधी जाती है, हाँ, अब कैसे बांधते, हमने तुम्हें बता दिया, ये गलती हमारी है जो ग्रस्तों को ये चीजें बता दी, उसमें बदनामी हमारे अखाड़े की हो रही, हाँ। एक धर्म की, सनातन धर्म, बिल्कुल, तो हिंदू धर्म होता है अपना सनातन धर्म, सनातन धर्म किसको जानते हो? सनातन धर्म जो आदि अनादि काल से है, है? जो आदि अनादि काल से, अनादि काल से तो है, वो तो हम मानते हैं, हाँ, ठीक है, बाकी इसका महत्व क्या है, सनातन का नाम क्यों दिया गया? मुझे नहीं पता है महाराज, आप मीडिया से हो ना? हाँ, ठीक है ना, हाँ। इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे, मीडिया वाले हमसे उल्टे सवाल पूछते हैं, हम उनसे उल्टे पूछ रहे। सनातन तो यही है कि जो आदि अनादि काल है वही सनातन है, जिसे कोई अंत नहीं है, तो स्थापना करी है, हाँ, ठीक है, समझ रहे हो ना? जैसे आप सनातन, सनातन इसका नाम क्यों दिया गया वो आप बताइए ना, आप, मैं तो इतना नॉलेज नहीं है मुझे। सनातन धर्म, सनातन, सनातन का मतलब शिव, शिव सर्वनाश, जो तुम्हारे अंदर जो विचार जो उत्पन्न होते हैं, जो तुम्हारा कर्म है, उसको सर्वनाश करने वाले को ही सनातन धर्म बोला जाता है। समझ गए ना? बिल्कुल बिल्कुल समझा महाराज, ठीक, बिल्कुल। तो बाबा कितने प्रकार के होते हैं? साधक, साधना, सर्वनाश, समझ रहे, शांति, शांति। जब तुम्हारे पाप को कर्म कर को शांति हो जाएगी तो आपको शांति मिलेगी। बिल्कुल, तो आप यहाँ आ गए हो, आपको शांति, बहुत शांति, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि इस टाइम जो तुम्हारे सर पे जो बैठा था ना पाप, वो दूर हो गया, मंदिर दूर हो गया, हाँ। इसलिए तुम्हारा मन कहाँ लगा है? बाबों के पास। बाबों के पास नहीं, ईश्वर के पास लगा। ईश्वर के पास, हर जय भगवान। बिल्कुल सही कहा आपने, आप यहीं पे रहते हो बाबा? हैं, यहीं पे रहते हो पूरे साल? पूरे साल तो यहाँ किसी को अलाउ नहीं। कहाँ से हो आप? काशी से? एमपी से। एमपी से, काशी में आता हूँ मैं, 1.25 महीना बैठता हूँ मणिकर्णिका घाट के अंदर। जितने भी वहाँ मुर्दे जलाते हैं, मन्ने अपने सब बच्चे हैं अपने, क्या महाकाल के भगत है अपने? तो महाकाली तो बैठे नहीं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज का मौसम है, और एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया बाबा जी हमें मिले, और सुबह सुबह की वार्तालाप हुई, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो है आपको हमने बताई कि सनातन धर्म क्या होता है, और बाबा किस प्रकार से अपने आप में ही अद्भुत होते हैं। बहुत खूबसूरत ये वीडियो आपके साथ में शेयर किया है केदार घाटी से, और देखिए बाबा जी किस प्रकार से यहाँ पर अपनी तपस्या में भी लीन है, और दो भैरव इनके साथ में है। देखिए, एक इस साइड में भैरव है और उस साइड में भैरव है, और शिव के साइड में दो भैरव, और इस साइड में ये खूबसूरत मंदिर, और ये मॉर्निंग का नज़ारा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, तो बहुत ही गजब का वीडियो है, धन्यवाद आप सभी का। भगवान ने भी गुरु बनाया था। हाँ जी बिल्कुल। तो ये दोनों भैरव आपके पास ही रहते हैं? हाँ, बैठे रहते हैं, अभी थोड़ी देर बाद सटिया के बैठ जाएंगे जी।